वहीं उस्मान के एनकाउंटर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। उमेश पाल पर जिस उस्मान ने पहली गोली चलाई थी उस बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, प्रयागराज आपकी कर्मभूमि रही है, तो क्या माना जाए कि उस जमीन को बदमाशों से आप लोग मुक्त करने वाले हैं? दिन दहाड़े श्री उमेश पाल और हमारे पुलिस के दो सुरक्षा में लगे हुए जवानों की हत्या की गई और उस हत्या से जुड़े हुए हत्यारों को पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। एक पहले ही साजिशकर्ता गिरफ्तार है, एक पहले जो बदमाश था वह भी हत्यारा था वह भी मारा गया है, दूसरा आज मारा गया है ऐसी सूचना मिली है। और इस सफलता के लिए मैं पूरी पुलिस टीम को बधाई देता हूँ और यह भी विश्वास रखता हूँ कि बाकी जो हत्यारे हैं या हत्या से जुड़े हुए लोग हैं, हत्या करवाने वाले लोग हैं, उनको भी पुलिस खोज निकालेगी, चाहे वो प्रदेश में छिपे हों, चाहे प्रदेश के दूसरे राज्यों में छिपे हों, चाहे देश की सीमा लांघ भी गए हों, तो भी उनको खोज निकालने में पुलिस सफल होगी और उनके खिलाफ़ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा कानून के हिसाब से वो पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। सर, ये खबर आ रही है कि अतीक का बेटा असद और जो गुड्डू मुस्लिम है शायद नेपाल फरार होने में वो कामयाब हो गए हैं। ये अभी इसके बारे में मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है, लेकिन ये आप भरोसा रखो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का दायित्व तो है और उनकी सुरक्षा के लिए जो भी खतरा बनेगा वो कहीं भी भाग करके जाए पुलिस उनको पकड़ करके लाएगी और कानून के अनुसार उन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाएगी। तो जैसा कि डिप्टी सीएम का साफ तौर पर कहना है कि हत्याकांड के जो भी दोषी हैं वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, भले ही अगर वो देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं, लेकिन जो इस हत्याकांड के विक्टिम हैं सरकार उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, बने रहे।